गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 गणित नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 15.1 स्टार्ट करेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है, पाई का मान अगर ना दिया हो तो 22/7 ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं, अगर दिया है तो वही लेना है, 2 की जगह 2 निकाल लो परिधि, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 3.5। क्या करेंगे, 3.5 7 होता है, 3.5 7, ठीक है, 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, या दशमलव लगा के काट सकते हो, इससे अच्छा है 3.5 × 7 होता है तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बच गया, ऊपर 1 है, 22 बच गया, वृत्त की परिधि है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिधि के आगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगेगा, मीटर है तो मीटर लगेगा। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर, याद रखना वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5, ऊपर अगर स्क्वेयर लगी है तो 2 बार, 3 लगाओ तो 3 बार लिखना होता है, वही 1 पर और ये 2 पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 × 22, 11 और 3.5 की गुणा करनी है कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, दशमलव बाद में लगाएंगे, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, दशमलव कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद लगेगा, 38.5 क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, ये जरूर लिखना है वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग ना लिखे तो ऊपर 2 स्क्वेयर लग जाएगा, बात सेम ही है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसने वृत्त की परिधि 3.5 सेंटीमीटर दी है, जिसने वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और एक डायग्राम में आपको पता होना चाहिए क्या चीज क्या होती है, ये होता है वृत्त का केंद्र, जो ये गोल घेरा होता है ये क्या होता है, वृत्त की परिधि, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां करी रुकती है, तो ये वृत्त की परिधि है, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, इसने ये 3.5 दी है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो इस गोले के अंदर जो क्षेत्र है उसका बताना होता है, व्यास, ये पूरी लाइन होती है वो क्या होती है, व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है,
44 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर वृत्त की परिधि दे दी तो हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर दो, वृत्त की परिधि, कितनी है? 44, 44 मीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? 2 पाई आर होता है, बराबर कितना है? 44 44, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है 44, आर को एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। ये 44 है, नीचे 7 है भाग में, तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। ऊपर गुणा में है, जो नीचे किस में हो जाएगा? भाग में। ये नीचे भाग में, ऊपर गुणा में हो गया, ये दोनों गुणा में, तो नीचे चले जाएंगे। 22 × 44, 2 × 2, 2 × 2, यानी आर आपका कितना आ गया? 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। हमें निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए परिधि आ गई, तो सीधा फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर फॉर्मूला हर बार लिखना है और याद भी होना चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? स्क्वेयर है, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7, 22/7 = 154। क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थोड़ा ध्यान से। एक अर्धवृत्ताकार, इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की कोई प्लॉट है जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, ठीक है, इसका क्या निकालना है? परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? पूरी प्लॉट हो तो क्या होता है? ये यहां से पूरा होता है, परिमाप यानी परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। ये पूरा घेरा होता है, ये इसकी परिधि होती है, परिमाप होता है। लेकिन अर्धवृत्ताकार है, आधा कटा हुआ है, तो यहां भी बाउंड्री होगी। अब क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक इस एरिया का परिमाप बताना है अर्धवृत्ताकार में। अगर पूरा वृत्त हो तो उसमें इस पूरे गोले का बताना होता है, ये लाइनिंग नहीं आती। अर्धवृत्ताकार में क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का आधा करेंगे और उसमें r + r 2r जोड़ेंगे, कारण यहां तक r त्रिज्या होती है, यहां तक भी r, यानी जो व्यास होता है वो 2r होता है। इसमें आधे में अगर 2r जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप क्या हो जाएगा? फॉर्मूला नया बन जाएगा इसमें। एक तो जो
सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धवृत्त है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा, और ये बीच वाली जो बाउंड्री आई है इसके लिए हम r प्लस आर जोड़ेंगे, यानी 2r जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा परिमाप होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 पाई का मान कितना है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस 2 × r 21 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 7 × 21 आगे क्या आ जाएगा हमारा, 22 × 66 प्लस में 21 × 42 इनको जोड़ो 108। 108 अगर परिमाप है तो सीधा मीटर में आएगा मीटर। और क्या निकालना है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध का क्या क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा, 1/2 × πr² 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 21 × 21 है, 2 × 1 = 2 11 × 22 = 11 आ गया, 7 × 7 = 21 क्या बच गया, ये बच गया 11 × 21 × 3 क्या हो जाएगी इनकी गुणा, 61 × 63 × 11 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 63 × 3 = 9 = 693 वर्ग मीटर। मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर जरूर लगाना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, सौ चक्कर लगा रहा है, कोई स्कूटर का पहिया है वो सौ चक्कर लगाने पर 88 मीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए हम परिधि निकालेंगे, परिधि निकालने के लिए हमें इसके एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे, 100 चक्कर में दूरी तय करता है, कितनी करता है, 88 मीटर। एक चक्कर निकाल लेंगे तो उसकी परिधि आ जाएगी, एक चक्कर में दूरी तय करेगा क्या हो जाएगा, एक चक्कर निकालेंगे तो 88/100 मीटर हो जाएगा, ये इसकी क्या आ गई, परिधि। तो हम क्या करेंगे, 2πr, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr के बराबर रख लेंगे 88/100 को। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7, r क्या है, r हमें निकालना है तो r की जगह r, क्या हो गया 88/100। इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएगा। क्या करेंगे, 22 × 22 = 28, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4,
ये क्या बच गया, आर बराबर आ गया 7 × 14/100 मीटर। आर ही निकालना है लेकिन इसे सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 14 × 100 गुणा 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 14 बच जाएगा यानी 14 सेंटीमीटर बन जाएगा। 14 सेंटीमीटर है जो हमारी इसकी त्रिज्या है जो उस पहिए की, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, परिधि का और वृत्त के क्षेत्रफल का। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।